ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि उस उल्लू के पटे प्रेम ने रूपाली को डांटा, उसकी छड़ती ली, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। वो तो इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गए थे लखन भैया और बच्चों को बचाया। अगर उसने अकेले में मेरे बच्चों को मारा तो कौन बचाएगा उन्हें? एगल भी सही, कौन बचाएगा? हाँ, पहला दूजा हथियार। दूजा हथियार? साड़ी माँ, भैन जी साड़ी माँ। ए हुई ना गल, लखन भैया यू ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे माँ, तू यहाँ? बेटा क्या बताऊँ, बहू बहू नहीं कह सकती, उसे पूजा घर से निकाल दिया मुझे। कहने लगी, बुढ़िया जब तेरा बेटा नहीं रहता तो तू यहाँ क्यों रह रही है? टाइगर का ने क्या हाल बना दिया बेटा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कपड़े तक नहीं लेने दिए थे, पुरानी साड़ी पहन कर आई हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पूजा इतना गिर जाएगी। अरे बेटा कौन कब कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। राइट बेटा, कुछ पैसे दे दे, वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। नहीं माँ, तू मेरे साथ रहे। मेरे बच्चे दादी, अब हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बच्चों, तुम्हें छोड़कर और मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं रहूंगी। रूपाली, रूपाली मेरी माँ है, आज से ये यहीं रहेंगी। और ये टाइगर तुम्हारी रखवाली के लिए बहुत जरूरी है। अरे ये तो बड़ी मुचड़ी है, इसकी खातिर तो पूजा को छोड़कर यहाँ है। माँ, इसे लाख गुनी अच्छी तो मेरी पूजा है। माँ तूने आते ही बुराई करना शुरू कर दिया। अरे बेटा मुझे इससे क्या, तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा, जहाँ बेटा वहाँ माँ। अब चाहे तू पूजा के साथ रहे या इस नकचरी के साथ, बेटा मुझे तो तू कमरा बता दे जहाँ मैं पड़ी रहूंगी एक कोने में। माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बहू नहीं। शुक्र है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू चल मेरे साथ। तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ। मरीज डॉक्टर का कहना नहीं मानेगा तो बीमारी कैसे ठीक होगी? लखन भैया, बच्चों और माँ को भेजने तक ठीक था, लेकिन मेरा ऑफिस जाना ये मुझसे नहीं होगा। अरे इंदिरा गांधी अगर औरत होकर देश चला सकती है तो अब दो चार दिन ऑफिस नहीं चला सकती? मैं तो कहता हूँ ये लड़ाई कार बैठ के मत लड़ो, खुली जंग का ऐलान करो, रूपाली को बोल दो किस्सा ही खत्म। पता है लखन भैया, मैंने उसे फोन पे भी डाटा था। फोन पे नहीं मेरी पोली भाभी, फोन पे नहीं, आमने सामने, फेस टू फेस, घूमते फिरते टकरा जाओ और बता दो कि तुसी बीबी नंबर वन हो। अरे देख के दरवाजा नहीं खोलती, मेरा इतना खूबसूरत सा घर तोड़ दिया। ये घर तो सिर्फ शीशे का था जिसके टूटने पर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। सोच, तूने तो मेरा बसा बसाया घर तोड़ दिया है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैंने आपका घर नहीं तोड़ा, प्रेम खुद चलकर मेरे पास आए थे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। पूजा ये तेरी गलत फहमी है, प्यार वो सिर्फ मुझसे करता है। अगर आपके प्यार में इतनी शक्ति होती तो आप उन्हें पहले भी तो रोक सकती थी। ठीक कहा तुमने, तो अब तेरे प्यार में अगर इतनी ताकत है तो तू उसे रोक कर बता। प्रेमिका बनना बहुत आसान है, बीवी बनना उतना ही मुश्किल है। बहुत प्यार करती है ना तू उससे, तो अब तू उसकी माँ से भी प्यार कर, उसके बच्चों से भी प्यार कर, उसके कुत्ते से भी प्यार कर। आज से तू मेरी जिंदगी जिएगी और मैं तेरी जिंदगी। शर्मा इस पेपर को फाइल में डालो, मुझे क्यों दिखा रहे हो हैं? भाभी नमस्ते, आप? भाभी नहीं, मैडम मालकिन या मिसेस पूजा मेहरा कहने की आदत डालो। मगर मैडम आज आप ऑफिस में? ऑफिस में तो मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, मगर घर संभालने के चक्कर में मैं ऑफिस की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। जी शशि। यस मैडम। मैं इस कंपनी में क्या हूँ? आप पार्टनर है मैडम। कितने परसेंट की? 51%। और आपके बॉस? 49%। तो आपकी वफादारी मेरी तरफ कितने परसेंट ज्यादा होनी चाहिए? 2% मैडम। गुड, वेरी गुड। टेल मी मोर। जी। ऑफिस में और क्या क्या हो रहा है? बहुत गड़बड़ चल रही है मैडम, बहुत ही गड़बड़ चल रही है। बॉस उसके प्यार में इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना तो उन्होंने अपनी शादी में खर्चा नहीं किया, और जितने हमारे क्लाइंट है सब टूटते जा रहे हैं, और बॉस मॉडल चेंज ही नहीं करना चाहते। आज कोई शूट चल रही है? यस मैडम। कहाँ?
फेमस स्टूडियो में। जनरेटर को अब क्या हुआ, लाइट्स क्यों बंद कर दी? जनरेटर चेक करो यार, लाइट क्यों बंद हो गई? जनरेटर बिल्कुल ठीक है लेकिन शूटिंग कैंसिल करवा दी गई है मैडम। किसके कहने पर? वो पूजा मैडम, वो क्या है कि मैडम आप, जहाँ तक मुझे याद है ये कंपनी प्रेम की है कि नहीं? जी, मगर मैडम प्रेम साहब इस कंपनी में 49% के पार्टनर है जबकि पूजा मैम साहब है ना 51% की पार्टनर है। क्या है कि मैं उनका कहना टाल नहीं सकता हूँ, आप समझ रही है ना मैं क्या कह। बहुत ही गड़बड़ है, इतनी बेइज्जती है। बहुत कंफ्यूजन है इस कंपनी में, क्या होगा शशि तेरा? क्या पूजा ने शूटिंग कैसे कर दी? यस सर, और मैडम ऑफिस भी आई थी। कब? आज सुबह सर। पागल हो गई है। सर आप ये मत भूलिए कि मैडम इस कंपनी में 51% की हिस्सेदार है। अरे मैंने ही बनाया वो 51%। सर रूल के मुताबिक अगर आपने मैडम के साथ पंगा लिया तो मैडम बाहर से ताला लगा देगी, हम लोग बाहर ही रह जाएंगे। कर सकती है, सोचिए ना। अगर आप प्रेम, सर मैडम आ गई। आई एम वेरी 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 अपसेट, मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं की गई। चलती शूटिंग को रोक दिया गया और मुझसे तुम्हारी रूपाली से कहा गया कि मैं इस कंपनी की मॉडल नहीं हूँ। किसने कहा ये? इसने। Get out! Thank you, sir. बस। अरे शूटिंग इसने थोड़ी रुकवाई, पूजा ने रुकवाई है। अरे पूजा चिढ़ती है तुमसे, ये आंखें, ये चेहरा, ये हाइट, ये फिगर, अरे हिंदुस्तान में ऐसी मॉडल है ही नहीं। सच? तुम्हारे सर की कसम। हाय मेरा बच्चा, कम ऑन हियर।